सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट हैप्पी। और मैं बहुत सारे आज प्रोडक्ट लेकर आई हूँ आप सभी के साथ शेयर करने के लिए। और मैंने इससे पहले भी लगता है शेयर कर दिया है मैंने सेकंड चैनल पे, तो मैं एक एक करके करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने लाया है ये, पहले जैसा कि अभी विंटर सीजन आ गया तो मैं अपने बेबी के लिए लाई हूँ। सबसे पहले मैंने दो वार्मर पैंट लाई हूँ जो कि विंटर्स के लिए है, और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया है। और इसका तीन सेट आया था, पता नहीं, एक तो ये पिंक में है, दूसरा एक ये ऑरेंज में है, और एक रेड में था, लेकिन रेड वाला थोड़ा छोटा है सो उसको मैंने निकाल रखा, और ये थोड़ा बड़ा है सो इन दोनों को मैं बाद में यूज़ करूँगी। और साथ ही साथ बाबू के कल चाचू ने दिया है उसके लिए ड्रेस, गोविंद चाचू अगर वो देख रहे होंगे वीडियोस तो थैंक यू फॉर दिस। तो ये रहा एक पैंट जो कि काफ़ी अच्छा है, और ये भी विंटर्स के लिए ही है। वो दो तो तीन जो था मैंने पहले खुद से ख़रीदा है, ये बाबू को गिफ्ट मिला है उसके चाचू ने, गोविंद चाचू ने दिया है, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने दिया है। तो ये एक पैंट है, और ये एक स्वेटर है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है और बहुत ही वार्म रखने वाला है, और बहुत ही अच्छा इसका जो फैब्रिक है वुलन का वो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही गर्म रखने वाला है। सो इसको मैं बहुत जल्दी वेयर करवाने वाली हूँ बाबू से। और इसके बाद मुझे ये इतना बड़ा प्रोडक्ट मिला था जिसमें एक है ये क्या है, ड्राइवेल का पैड्स है, ली कॉट का यंग एंड रेडियंट अंडर आई क्रीम है, और है इटर्नल ग्लो इल्यूमिनेटिंग क्रीम, लीफ ऑड का ये है क्रीम है, और फिर है इटर्नल ग्लो फेस वॉश ये है, और साथ ही है ये इटर्नल ग्लो सीरम बाय लीफ ऑड ये भी है। तो ये सबको मैं यूज़ करूँगी बाद में, और मैंने वैसे यूज़ भी किया और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट रहा है। और साथ ही साथ मैंने कुछ पार्सल रिसीव किए हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ। सो मैं अपने बेबी के लिए यूज़ करती हूँ हिमालया का हेड टू टो बेबी वॉश विद प्योर काउ घी, जो कि बहुत ही नए अभी ये में आया प्योर काउ घी के साथ, तो बहुत ही अच्छा, और पीएच वैल्यू इसका 5.5 है जो कि बच्चे की सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। और बाबू बेबी का स्किन, बाबू मैं बोल रही थी, बेबी का स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगा, खिला खिला रहेगा, मॉइस्चराइज रहेगा। और साथ ही साथ मैंने ये हिमालया का ही बेबी लोशन विद प्योर काउ घी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही लाइट टेक्सचर में है, और ये विद प्योर घी है, इसका मतलब ये नहीं कि घी जैसा बिल्कुल चिपचिपा है, बहुत ही लाइट है टेक्सचर में और इजली एब्जॉर्ब कर जाता है स्किन में। तो ये मेरे बेबी के लिए, जिससे बच्चे को स्किन में इरिटेशन नहीं होगा और मॉइस्चराइज भी रहेगा, ग्रीसी भी नहीं है बहुत ज़्यादा ये, और ये सेफ है न्यू बॉर्न बेबी के लिए। साथ ही साथ मैंने किया है यहाँ पर, मैंने डाइपर रैसेस क्रीम किया है जो कि है हिमालया का ही है, बेबी रैस रिलीफ क्रीम विथ प्योर काउ घी, जो कि ये भी एक नया प्योर काउ घी के साथ है जो कि आपके बाबू को, बेबी को रैश फ्री रखता है, साथ ही साथ रेडनेस और इरिटेशन से भी फ्री रखता है। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैंने अभी अभी यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ एक और प्रोडक्ट है जिसको मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, ये है बेबी विम क्लिंजर जो कि रिमूव करता है 100% मिल्क स्टेन को और स्टिकनेस को, जो कि ऑयल का हो या फिर कैसा भी हो तो हो जाता है। और इधर मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया, सो चलिए, वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर करना, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए ब्लॉग पर ढेर सारा प्यार दीजिएगा, बाय।